तो लगभग कुछ समय पहले सारी सिम ने अपने रिचार्ज प्लान के रेट को बढ़ा दिया था बीएसएनएल के अलावा, बट अब यहाँ पर टॉप 3 सिम निकल कर सामने आती हैं, जो कि बीएसएनएल, जियो और एयरटेल हैं। तो बीएसएनएल, जियो और एयरटेल, इन तीनों में से आपके लिए बढ़िया सिम कौन सी है, इन तीनों के प्लान क्या है, किसके प्लान आपको सस्ते देखने को मिलेंगे, हम इन तीनों का इंटरनेट स्पीड का कंपैरिजन करने वाले हैं, किसमें नेटवर्क अच्छा देखने को मिलेगा और कौन सी सिम में आपको फायदा होने वाला है, और यहाँ पर हम इनके 5G के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इन तीनों सिम में से कंफ्यूज हैं तो चलो मैं आपको पता चल जाएगा बढ़िया सिम कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों के 4G 5G नेटवर्क के बारे में। तो जो आपको जियो और एयरटेल है, इनमें आपको 4G और 5G दोनों के साथ ही देखने को मिलता है और ओवरऑल अब आपको सारे इंडिया के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं आया है तो 2024 के एंड तक आपको सारी जगह देखने को मिलेगा। बट जो बीएसएनएल की सिम है, इसमें आपको 2G और 3G देखने को मिलता है और जो उसका 4G सर्विस है, ये भी अब हजारों सिटीज के अंदर आ चुकी है। एक साल पहले काफी जगह कम ही अवेलेबल था, बट आने वाले 1-2 साल के अंदर जो इसका 4G है, ये लगभग सारी जगह लॉन्च हो जाएगा और आपको देखने को भी मिल जाएगा। बीएसएनएल का जो 5G नेटवर्क है, इसका सिम तो आ चुका है, बट जो इसका ऑफिशियल नेटवर्क है, इसको आने में 1-2 साल का समय और लग सकता है। 1-2 साल के बाद ये लॉन्च होने वाला है और लॉन्च होने के बाद ये पूरे इंडिया में कब आएगा, उसमें और भी ज्यादा समय लग सकता है। अभी करते हैं जियो, बीएसएनएल और एयरटेल का स्पीड कंपेरिजन, किस एरिया के अंदर ज्यादा हो सकती है, किसी के अंदर कम हो सकती है, हम इसके 4G और 5G दोनों का ही कंपेरिजन करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जियो के अंदर आपको लगभग 100 Mbps के आसपास डाउनलोड स्पीड, एयरटेल के अंदर 74 Mbps के आसपास की और बीएसएनएल के अंदर सिर्फ 11 Mbps के आसपास की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा जियो आपको आगे देखने को मिला डाउनलोड स्पीड के अंदर। अपलोड स्पीड को देखोगे तो 6 Mbps के आसपास जियो के अंदर, एयरटेल के अंदर 32 Mbps के आसपास और बीएसएनएल के अंदर आपको सिर्फ 1.55 Mbps के आसपास देखने को मिल रही है। ये था इन तीनों का स्पीड कंपैरिजन। इस स्पीड कंपैरिजन में आपको जियो की डाउनलोड स्पीड काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि लास्ट में आपको बीएसएनएल की देखने को मिलती है जो कि 11 Mbps है। ये किसी एरिया के अंदर डिफरेंट हो सकती है। अभी करते हैं इन तीनों का आपको 5G टेस्ट। 5G के अंदर जियो में आपको लगभग 268 Mbps के आसपास डाउनलोड स्पीड देखने को मिल रही है और एयरटेल के अंदर आपको लगभग 300 Mbps के आसपास डाउनलोड स्पीड देखने को मिल रही है। 5G के अंदर एयरटेल थोड़ा आगे देखने को मिला डाउनलोड स्पीड के अंदर। अगर हम यहाँ पर अपलोड की बात करें, जियो के अंदर सिर्फ 10 Mbps की अपलोड स्पीड मिल रही है 5G के अंदर और एयरटेल के अंदर आपको लगभग 100 Mbps के आसपास की अपलोड स्पीड मिल रही है 5G के अंदर। 5G में डाउनलोड स्पीड में एयरटेल और जियो लगभग बराबर ही रहते हैं, बट अपलोड स्पीड में आपको एयरटेल ज्यादा आगे देखने को मिलेगा, चाहे वो 4G हो या फिर 5G हो। अगर हम बीएसएनएल 5G की बात करें तो बीएसएनएल के अंदर 5G देखने को नहीं मिलता है, इसमें फिलहाल 4G तक की नेट देखने को मिलेगा। अभी जानते हैं बीएसएनएल, जियो और एयरटेल के प्लान के बारे में, किसके महंगे, किसके सस्ते और किसमें क्या फायदा है। हम यहाँ पर इन सभी के सिर्फ मेन प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, हम यहाँ पर इनके सभी प्लान को नहीं जानेंगे। ये है जियो के प्लान, 189 का 2GB अनलिमिटेड कॉल के साथ 28 डेज के लिए, 349 का 2GB पर डे अनलिमिटेड कॉल के साथ 28 डेज के लिए, 629 का 2GB पर डे अनलिमिटेड कॉल के साथ 56 डेज के लिए, 479 का 6GB अनलिमिटेड कॉल के साथ 84 डेज के लिए, 859 का 2GB पर डे अनलिमिटेड कॉल के साथ 84 डेज के लिए, 3599 का 2.5GB पर डे अनलिमिटेड कॉल के साथ 365 डेज के लिए। ये थे जियो के मेन प्लान्स, मैंने इसकी पूरी वीडियो अलग से बना रखी है। अभी जानते हैं एयरटेल के मेन प्लान्स के बारे में। 199 का 2GB अनलिमिटेड कॉल के साथ 28 डेज के लिए, 349 का 2GB पर डे अनलिमिटेड कॉल के साथ 28 डेज के लिए, 649 का 2GB पर डे अनलिमिटेड कॉल के साथ 56 डेज के लिए, 509 का 6GB अनलिमिटेड कॉल के साथ 84 डेज के लिए, 859 का 2GB पर डे अनलिमिटेड कॉल के साथ 84 डेज के लिए। ये थे एयरटेल के मेन प्लान्स, मैंने इसके ऊपर भी पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। बट अभी जानते हैं बीएसएनएल के मेन प्लान्स के बारे में। 94 का 3GB 30 डेज के लिए 200 मिनट कॉल के साथ, 199 का 2GB पर डे 30 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉल के साथ, 347 का 2GB पर डे 54 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉल के साथ, 201 का 6GB 90 डेज के लिए 300 मिनट कॉल के साथ, 485 का 1.5GB पर डे 82 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉल के साथ, 599 का 3GB पर डे 84 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉल के साथ, 239 का 2GB पर डे 395 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉल के साथ। ये थे इन तीनों के नए प्लान, मैंने इन तीनों के बारे में पूरी अलग से वीडियो बना रखी है, मैंने जिनमें इनके पूरे ए टू जेड प्लान के बारे में बताया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो मैंने इसके अंदर प्लान बताए हैं, ये सब वो मेन प्लान है जो कि आप करवाने वाले हैं या फिर मोस्ट लोग करवाते हैं। अगर हम यहाँ पर अनलिमिटेड 5G की बात करें तो जियो और एयरटेल के अंदर एक कंडीशन देखने को मिलती है, आपको अनलिमिटेड 5G सिर्फ उसी प्लान के साथ मिलेगा जिसमें 2GB पर डे या फिर इससे ऊपर का प्लान हो। इससे नीचे का प्लान हो वहां पर 5G तो मिलेगा, बट वो अनलिमिटेड नहीं होने वाला है। तो अगर आपको अनलिमिटेड 5G चाहिए 2GB पर डे या फिर इसे ऊपर के प्लान के साथ जाना है। अगर हम बीएसएनएल की बात करें तो इसमें 5G देखने को नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ 4G ही मिलेगा। लास्ट में बात करते हैं इन तीनों की नेटवर्क कवरेज के बारे में। अगर हम जियो और एयरटेल की बात करें तो इनका नेटवर्क आपको लगभग काफी अच्छा देखने को मिलता है। काफी सारे एरिया ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर जियो का अच्छा हो या फिर एयरटेल का अच्छा हो,
बट मोस्टली आजकल आपको सारे एरिया के अंदर जियो एयरटेल का अच्छा ही देखने को मिल रहा है, बट काफी सारे एरिया ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। बट अगर हम यहाँ पर बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल की सबसे बड़ी समस्या इसका नेटवर्क ही है। मोस्टली एरिया के अंदर इसका नेटवर्क अभी नहीं है या फिर आपको कम ही देखने को मिलेगा। कई जगह आपको स्टेबल देखने को नहीं मिलेगा, किसी में ज्यादा है, किसी में आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा, या फिर कई बार किसी एरिया के नेटवर्क देखने को नहीं भी मिलता है, या फिर किसी एरिया के अंदर अगर नेटवर्क देखने को मिल भी रहा है तो वहां पर वो स्टेबल नहीं रहता है, कई बार वो उड़ भी जाता है। जियो एयरटेल के नेटवर्क कवरेज में काफी ज्यादा कंपटीशन है, लगभग आपको सेम ही देखने को मिलता है, बट बीएसएनएल को भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। शायद एक दो साल के बाद इंप्रूवमेंट कर ले, जैसे कि उन्होंने पिछले एक दो साल के अंदर किया भी है, बट अभी काफी ज्यादा वीक है। ये था जियो एयरटेल और बीएसएनएल का कंपैरिजन। चैनल के अंदर और भी वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।